अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ायज़ा वसीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक और न्यू वीडियो में आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एआई। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द रिकैप। हमने रिकैप में क्या डिस्कस किया था, हमने बात की थी एआई ट्यूरिंग टेस्ट की। ट्यूरिंग टेस्ट 1950s में परफॉर्म किया गया था और किस तरह से जो है वो ये टेस्ट परफॉर्म किया गया था, हमने ये सारा डिस्कशन लास्ट वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की तो आप कर सकते हैं माई वीडियो सेक्शन में जाकर। आप बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और बात करते हैं सम एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ एआई की। अच्छा, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी रिसर्चेस आजकल इसके ऊपर हो रही हैं। ठीक है, बहुत आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूचर है और इसमें आप अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी एप्लीकेशन एरियाज़ हैं जहाँ पर एआई काम करता है? फर्स्टली वी हैव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर एआई का बहुत बड़ा रोल है। सिंपल मशीन ट्रांसलेशंस टू कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक मशीन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको आप कोई नेचुरल लैंग्वेज सिखा रहे हैं और सिर्फ सिखा ही नहीं रहे, वो उस लैंग्वेज को सीख कर उससे अंडरस्टैंडिंग करे, उससे रीजनिंग परफॉर्म करे, उससे काफ़ी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है एआई की। बहुत आप कह सकते हैं अच्छी फील्ड है या बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर एआई का बहुत बड़ा रोल है, मतलब कि ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं जो कि किसी ब्रॉड कैटेगरी को, किसी स्पेसिफिक एरिया को के ऊपर काम करते हैं और उनमें एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, मेडिकल डायग्नोसिस इन अ नैरो डोमेन, थिंक टैंक्स, मतलब आपने देखा होगा कि मेडिकल डायग्नोसिस के काफ़ी बड़े बड़े एक्सपर्ट सिस्टम्स बने हुए हैं। आप गूगल कर सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम एआई लिखकर, आपको काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से एआई एक्सपर्ट सिस्टम्स को लेते हुए काम कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोकन लैंग्वेज सिस्टम्स, 1000 words कंटिन्यूस स्पीच। अच्छा, यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज सिस्टम में भी एआई काम करती है। वो इस तरह से कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ बोल रही हूँ और सामने कोई मशीन है, कोई रोबोट है, वो समझ सके कि मैंने बोला क्या है, वो मेरी लैंग्वेज को पिक करे, उसको समझे और फिर मुझे रिप्लाई बैक करे। इस तरह से भी एआई इन चीज़ों में काम करती है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन एरिया प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है। लर्निंग के अंदर एआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है। गेम्स के अंदर काफ़ी सारे चेस गेम्स हैं और बहुत सारे गेम्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें एआई काम करती है। वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर न्यू चीज़ें डिस्कवर करते हैं, न्यू अंडरस्टैंडिंग करते हैं और अपनी नई आप कह सकते हैं कि लर्निंग करते हैं। गेम्स के अंदर एआई का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर विजन के अंदर एआई का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा फेस रिकग्निशन सिस्टम्स होते हैं और इसके अलावा जो है वो पैटर्न रिकग्निशन हो रहा होता है। लोग जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो इमेजेस को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, फेसेस को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। ये सारा इमेज इंटरप्रिटेशन का काम, सारा कंप्यूटर विजन का काम एआई के बेस के ऊपर होता है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है रोबोटिक्स। जितने भी रोबोट्स आपको देखने को मिलते हैं, मे बी आपने कोई रियल लाइफ में कोई रोबोट देखा हो या अगर नहीं देखा तो इंटरनेट पर, मोबाइल पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने देखा होगा काफ़ी सारे रोबोट्स। आजकल जो वेटरिंग हो रही है वो रोबोट्स के थ्रू हो रही है। आप सेल्फ ऑटोमेटेड कार्स आ गई हैं, रोबोटिक कार्स आ गई हैं, तो वो सारा काम एआई के बेस के ऊपर होता है। मतलब कि वहाँ पर ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोनॉमस हैं, वो ऑटोमेटिकली रोबोटिक्स के बेस के ऊपर, एआई के बेस के ऊपर काम करती हैं। अब जो अगर हम सोचेंगे कोई कार है वो बग़ैर ड्राइवर के जा रही है, कैसे जा रही है, उसमें कोई ड्राइवर नहीं है तो वो चल कैसे सकती है? जी बिल्कुल, अगर हम उसमें एआई इंक्लूड है, अगर वो रोबोटिक कार है, वो ऑटोनॉमस है, वो ऑटोमोबाइल है, वो काम कर सकती है एआई के ऊपर। आप चेक करें, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस अभी चल रही हैं और इन सारी चीज़ों पर काम हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको सम एग्जांपल्स ये क्लियर हुई होंगी, एप्लीकेशन एरियाज आपको पता चले होंगे। आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।